दोस्तों, इंडिया जो है अपने खान पान को लेकर के हमेशा ही फेमस रहा है, और बात अगर हरियाणा की हो फिर तो बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी अदर स्टेट के कंपैरिजन में कम स्पाइसी और मसालेदार जो है सब्जियाँ को अवॉइड करते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बिल्कुल देसी तरीके से हरियाणा स्टाइल में जो है आलू गोभी की सब्जी आपको बना के दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो है फूल गोभी का फूल लेंगे, बड़ा या छोटा आप अपनी फैमिली की जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा छोटा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है आप उसके जो डंठल होते हैं साइड वाले, ठीक है, वो इस तरीके से आप तोड़ देंगे, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं हम इसको जो है तोड़ के साइड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जो है फूल गोभी के फूल को एक बर्तन में पानी डालकर अच्छी तरीके से जो है इस तरीके से हम फूल गोभी के फूल को जो है धो लेंगे, ताकि उसके ऊपर जो भी मिट्टी या कुछ भी जो है डस्ट वट लगा हो वो अच्छे तरीके से जो है धो जाए, ठीक है। उसको इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से धो लेना है। उसके बाद दोस्तों जो है हम गैस को ऑन करेंगे और उसको मीडियम सीम पे रखेंगे, और जो फूल गोभी के फूल को दोस्तों जो है गैस के ऊपर हम रख देंगे इस तरीके से, ठीक है, ताकि उसकी हल्की हल्की जो है चारों तरफ से सिकाई हो जाए, क्योंकि ऐसा करने दोस्तों होगा क्या कि उसमें एक जो है सब्जी में आपका अलग ही टेस्ट आएगा। आप करके देखना दोस्तों, एक बार ऐसे बना के देखना, एक नॉर्मल जो ऐसे आप बनाते हो वैसे तो आप बनाते हो, एक बार ऐसे करके देखना, इसमें जो आपकी सब्जी में जो है अलग एक टेस्ट आएगा। दोस्तों आपने जो है गैस की सीम को मीडियम ही रखना है, और फूल गोभी के फूल को आपने चारों तरफ से जो है घुमाते रहना है, जब उसके ऊपर का जो कलर है हल्का हल्का ब्राउनिश कलर हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपने जो है गैस को बंद कर देना है, ताकि आपका जो फूल गोभी का फूल जो है जले ना, ठीक है, उससे ज़्यादा आपने जो है नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपने फूल गोभी के फूल को जो है इस तरीके से जो है वन बाई वन करके एक एक करके जो है इस तरीके से एक बर्तन में जो है निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपने जो है कढ़ाई में जो है सरसों का तेल, अगर आप यूज़ करते हैं सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, और रिफाइंड अगर आप यूज़ करते हैं तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके आपने जो है आलू को भी कट करके रखना है, और उसके साथ ही आपने हरी मिर्च और टमाटर, और आपने जो है उसके साथ ही उस आपने जो है लहसुन को भी उसमें कट करके रखना है, और ओनियन प्याज को भी आपने कट कर लेना। और अब हमारा जो है कढ़ाई में जो है ऑयल जो है गर्म हो चुका है, तो हम जो है फूल गोभी को उसमें फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जो है फूल गोभी को फूल को इसमें डाल के आपने जो है इसको इस तरीके से जो है फ्राई करना है। जब आपके फूल गोभी के फूल का जो कलर दोस्तों वो हल्का ब्राउन होने लग जाए, तो आपने जो है उसको एक प्लेट में जो है निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम जो है छौंक तैयार करेंगे, हम जीरा और जो है ओनियन जो है ऑयल में डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमारा जो टमाटो टमाटर और जो हमारा गार्लिक जो है लहसुन था वो भी हम जो है छौंक में डाल देंगे, इस तरीके से आपने जो है इसमें डाल लेना है, और चम्मच को जो है इस तरीके से आपने चलाना है, ठीक है, ताकि आपका जो छौंक है वो जले ना, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है ओनियन आपका टमाटो गार्लिक और चिली जो था आपने इसमें डाल लिया है। उसके बाद दोस्तों आपने छौंक में ही आपने साल्ट अपने स्वाद के अनुसार और आपने जो है हल्दी पाउडर जो है छौंक में डाल लेना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपने जो है साल्ट को और हल्दी पाउडर को जो है चम्मच की हेल्प से जो है अच्छी तरीके से जो है इसमें मिला देना है, ताकि जो है ये साल्ट और जो है आपका हल्दी पाउडर जो है छौंक में अच्छी तरीके से जो है मिल जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने जो है पोटैटो आलू और जो आपकी जो फ्राइड जो आपकी गोभी थी वो आपने जो है कढ़ाई में डाल देना है, और उसके बाद जो है चम्मच की हेल्प से जो है इसको इस तरीके से जो है मिला लेना है, ताकि जो हल्दी कलर है दोस्तों या फिर जो नमक है वो पूरी सब्जी में अच्छी तरीके से मिल जाए, ठीक है। आपने चम्मच को जो है चम्मच की हेल्प से जो है अच्छी तरीके से जो है सब्जी को इस तरीके से मिला देना है, और दोस्तों आपने जो है सब्जी को थोड़ी थोड़ी देर में जो है इस तरीके से चम्मच की हेल्प से जो है हिलाते रहना है, ताकि आपकी सब्जी जो है जले ना, और आपकी सब्जी जो है 10 से 15 मिनट में जो है बन के रेडी हो जाएगी।
तो दोस्तों आपकी जो आलू गोभी की सब्जी है बन के रेडी है। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा जो है कलर आया है और देखने में कितनी टेस्टी जो है सब्जी लग रही है। तो दोस्तों आप भी जो है मतलब कि घर पे जो ट्राई करिए, और यकीनन जो है इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाते हैं तो आप बार बार बनाओगे, ठीक है। बिल्कुल कोई स्पाइसी मतलब कोई भी गर्म मसाले वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और अब हम इसको जो है एक बाउल में जो है निकाल लेते हैं सब्जी को, ठीक है। और अब इसको हम बाउल में हमने जो है सब्जी को इस तरीके से हमने निकाल लेना है। तो दोस्तों हमारी जो आलू गोभी सब्जी है बन के रेडी है, और साथ ही साथ हमारी जो रोटियां है वो भी बन चुकी है दोस्तों। और साथ ही हमने सलाद में जो है प्याज लिया है और लस्सी भी हमने लिया है, और ये जो है आलू गोभी सब्जी जो हमने अभी बनाई है। तो आज खाने में जो है दोस्तों मज़ा आने वाला है, बिल्कुल सिंपल देसी खाना, ठीक है। इस तरीके से आप भी जो है इंजॉय कर सकते हैं, और जो है इस तरीके से आप भी अगर सब्जी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी जो है आपकी सब्जी बनने वाली है। तो ये एक छोटी सी जो वीडियो थी दोस्तों आलू गोभी सब्जी के ऊपर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।